पर्ची की दृष्टि से आपको पर्ची बनाना चाहता हूँ जी। हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के विशाल चौहान जी, हमारे प्रभारी जिला पालमपुर के प्रभारी वन बूटा न्यूज के प्रिय हैं कपूर जी, पवन जी, सुरेंद्र कपूर जी। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की आज पालमपुर संगठनात्मक जिला की जिला कार्यकारिणी का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पालमपुर संगठनात्मक जिला के चारों विधानसभा क्षेत्र बैजनाथ, पालमपुर, जयसिंहपुर, चारों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, दायित्ववान कार्यकर्ता उस बैठक में उपस्थित रहे। मैं आप सब मित्रों के माध्यम से ये बात प्रदेश की जनता के बीच में रखना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल से प्रदेश की वीरभद्र जी की कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं को छला है और काठ की हंडी जो बार बार नहीं चढ़ती है। 2012 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने हर घर में युवा को रोजगार देंगे इस नारे के साथ वो सत्तासीन हिमाचल में हुई थी, और मैं आप सबके माध्यम से कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने इस वादे को ईमानदारी से पूरा किया है? क्या हिमाचल के अंदर युवाओं को रोजगार मिला है? क्या हर घर से युवा को रोजगार मिला है? रोजगार के वादे को वो भूल गई, उसके बाद उन्होंने बेरोजगार भत्ते की बात की। तो आप सबके माध्यम से हम सरकार से पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कितने बेरोजगार युवाओं को आज तक भत्ता मिला है? बेरोजगार भत्ते को भी प्रदेश की सरकार भूल गई, अब उन्होंने कौशल विकास भत्ते के ऊपर उन्होंने बात की। कौशल विकास भत्ता प्रदेश सरकार की योजना नहीं है, बेसिकली इसको एशियन बैंक फाइनेंस कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्रदेश सरकार की इन्वॉल्वमेंट है। और मैं तो आप सबके माध्यम से इसको कौशल विकास भत्ता बोलने की जगह कांग्रेस कार्यकर्ता विकास भत्ता योजना बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस कौशल विकास भत्ता योजना के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने चहेतों को सेंटर एफिलेट किए हैं और उनके माध्यम से उस भत्ते को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कौशल विकास भत्ते के प्राप्त करने के लिए कुछ कोर्स करने पड़ते हैं, उनका कोर्स का कोई सिलेबस स्पेशल मेंशन नहीं हुआ है, उसके नॉर्म्स कोई नहीं बनाए गए हैं। जिन युवाओं को ये मिलना है उनको उसका कोई समय सारणी नहीं बनाई गई है कि कितने समय के लिए उनको ये कोर्स करना है। डायरेक्ट इंस्टीट्यूट्स को ये पैसा दिया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा घोटाला हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। और आने वाले समय में 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इसका पर्दाफाश करेंगे, इसकी जांच करेंगे। पिछले कल वीरभद्र जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष व हमीरपुर के लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी वो दुकान खुलवाएंगे। मेरा वीरभद्र जी से ये आग्रह भी है कि मर्यादाओं में रह के सबको, हम सबको स्टेटमेंट देना चाहिए, लेकिन विषय ये है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो के साथ काम करने वाला युवा नेता और उसके साथ जिस भी क्षेत्र में वो काम करते हैं उस क्षेत्र से हिमाचल के युवाओं को लाभ मिले, रोजगार मिले, उसके लिए काम करने वाले अनुराग ठाकुर जी ने क्या गलती की है? दुनिया का सबसे सुंदर स्टेडियम हमारे कांगड़ा के धर्मशाला में बनाया और स्टेडियम के बनाने से जो मैच यहाँ पर आयोजित होते हैं उन मैच के माध्यम से कांगड़ा जिला व हिमाचल के बेरोजगार युवाओं ने को जो रोजगार के अवसर मिले हैं
उन्होंने अपनी दुकानें खोली हैं, अपने ढाबे अपने होटल खोले हैं, तो क्या वीरभद्र जी अनुराग जी के ऊपर हमला करके उन युवाओं की दुकानें बंद करवाना चाहते हैं? राजनीतिक स्तर कांग्रेस पार्टी का इतना गिर गया है, खुद तो वो कोई जो वादे किए थे पूरे नहीं किए हैं, लेकिन अनुराग जी या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो हिमाचल के विकास के लिए काम कर रहा है उनके ऊपर ओछे हथकंडे और आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश इन सब मुद्दों के लेकर के जनता के बीच में जाएगा और इस मुद्दों को जनता के बीच में सही ढंग से रखने के लिए हमने वन बूथ टेन यूथ महाअभियान छेड़ा है और इस वन बूथ टेन यूथ महाअभियान के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के जो 7479 मतदान केंद्र हैं, इन प्रत्येक मतदान केंद्र के ऊपर भारतीय जनता युवा मोर्चा के 10-10 कार्यकर्ताओं की टोली का गठन किया जाएगा 31 दिसंबर से पहले, और इसी कड़ी के अंदर पालमपुर जिला की जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके चारों विधानसभा क्षेत्र के 431 मतदान केंद्र हैं, उन 431 मतदान केंद्रों के ऊपर भी 10-10 कार्यकर्ताओं की टोली का गठन किया जाएगा। इसी महाअभियान को लेकर के आज पालमपुर जिला की बैठक थी, इससे पहले पालमपुर के चारों विधानसभा क्षेत्रों की मंडलों की बैठकें हो चुकी हैं। आज हमने ग्राम केंद्र शाह प्रभारी इसके लिए नियुक्त किए गए हैं और 5 दिसंबर तक का समय कार्यकर्ताओं को दिया गया है, 5 दिसंबर तक पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी मतदान केंद्रों पर यह महाअभियान पूर्ण किया जाएगा और ये जो 75,000 कार्यकर्ताओं की जो टोली है इस टोली को आने वाले समय में पार्टी की रीति नीति पार्टी की विचारधारा से परिपक्व करने के लिए उनमें नेतृत्व के लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो नेतृत्व गुण डेवलप हो उसके लिए ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे और अप्रैल महीने में भारतीय जनता युवा मोर्चा इन 75,000 कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन हिमाचल में करेगा और उस महासम्मेलन के माध्यम से हम विधानसभा के चुनावों की हुंकार भरेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो जन विरोधी निर्णय हिमाचल प्रदेश के अंदर लिए हैं उन मुद्दों को लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जब गांव-गांव जाएंगे तो जिस तरह पिछले लोकसभा के चुनावों में पूरे देश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है हिमाचल प्रदेश से भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी।